आज सुबह जब हमको पता चला कि ये जो मेन एक्यूज है तफाजुल अली उनका डेथ हो गया है, तो हम गांव के सारे लोग यहां पे बैठे इकट्ठे हुए, तो हमने ये सिद्धांत किया कि उनका जो डेड बॉडी जब हमारे यहां आएगा तो हम उनको जनाजा नहीं करेंगे और हमारे जो कब्रस्तान है उनपे वहाँ पे उनके जगह नहीं देंगे, और जो उनका फैमिली है उनको भी हम हमारी तरफ से बॉयकॉट किया गया है। तो और क्या क्या डिसीजन लिया गया है आप लोगों ने? जो भी अपराध करेगा उनके विरुद्ध में हमारा डिसीजन ऐसा ही रहेगा, उनका जनाजा नहीं किया जाएगा, उनका कब्रस्तान नहीं किया जाएगा उनको। अभी भी पुलिस का कहना है कि दो एक्यूज अभी भी फरार है, पुलिस लगातार ऑपरेशन चला रही है उन लोगों को पकड़ने के लिए, तो आप तो क्या कहना? हाँ, हम तो प्रशासन के साथ है, अपील कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनको भी पकड़ा जाए और उनको दोषी जो है उनको सजा दिया जाए, कठोर सजा दिया जाए उनको। तो जिस तरह से ये घटना हुई है तो पूरे विषय को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो हमारा ढींग बरबेटी है, हमारे जो यहाँ का एरिया है वहाँ पे हम एक साथ मिलजुल के रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हम मिलजुल के रहते हैं, यहाँ पे कुछ ऐसा पहले नहीं हुआ है, और जो हुआ ये बहुत बुरा हुआ है, हम दुखी थे उसके लिए, ये होना नहीं चाहिए था, फिर भी हो गया है, जिसने गलती किया है उनको तो सजा मिलना चाहिए बस। हम लोगों ने आज एक डिसीजन लिया है, डिसीजन है कि जो अपराधी है उनका आज जो जनाजा होने वाला था वो जनाजा हम लोग नहीं करेंगे जनाजा, और दूसरा है उनको कब्रस्त भी नहीं करेंगे हम लोग, हमारा गांव के लोग उनको उनका जनाजा भी नहीं करेंगे, उनको कब्रस्त भी नहीं करेंगे, और तीसरा एडिशन है उन लोगों को जो घर है मतलब समाज से उनको सेपरेट कर दिया गया है, समाज के साथ नहीं रखेंगे।